आप और संदीप जी पे कुछ दिन पहले अटैक हुआ था, उनकी गाड़ियों पे भी 3 गोलियां, उन पे एक्चुअली उन पे 3 गोलियां बरसाई गई थी, तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पहले और आज में काफ़ी बातें हो रही है कि बीजेपी की जब सरकार थी तभी भी था, आज भी है, पर देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है कि यहाँ पे CM यहाँ पे नागपुर में है और ऐसी घटना होती है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये घटना दुर्दैवी थी, कोई भी जनप्रतिनिधि पर ऐसी हमला नहीं होना चाहिए, इस मत का हूँ मैं। मुझे घटना की जानकारी मिली, 12 बजे घटना हो गई होंगी, मैं 40 मिनट में वहाँ पर स्पॉट पर पहुँचा और करीबन सवेरे के 4 बजे तक संदीप जी के साथ पुलिस स्टेशन में भी बैठा था। तो मुझे लगता है कि सरकार के तरफ से जो ख्याल देना है, वहाँ पर ग्रामीण के SP भी आए थे, हमारी DCP भी आई थी जो लोकल है, और पुलिस यंत्रणा लगी हुई है। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द, मैंने अभी अखबार में पढ़ा कि 5 निरीक्षकों की नियुक्ति की है कि किसने गोली मारी है वो उसके ऊपर, और मुझे लगता है कि जिनकी गाड़ी पर गोली चलाई है उनको किसी ने धमकी भी दी थी, तो पूरा तथ्य सामने आ जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति ऐसी है कि ये अभी शहर से कोई भी चलता रहेगा और कोई अगर सोच लेगा तो उसे रोकने में ये, मगर जो हुआ वो घटना दर्दनाक है, इसे जल्द से जल्द ढूंढ कर लाना चाहिए पुलिस ने, और क्या झूठे क्या किस वजह से जो अभी अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही उस वजह से था या और कोई कारण था, इसका खुलासा पुलिस ने करना चाहिए, और वैसी सभागृह में हमने बात भी की है। सुप्रीम मुनगंटीवार जी का कहना था कि शरद पवार जी कांग्रेस पे उनका भरोसा नहीं है, तो आप कांग्रेस से हैं तो आपको क्या कहना है? अब मुझे लगता है कि सुधीर मुनगंटीवार जी ने अपनी पार्टी की वकालत छोड़ के दूसरी की, अभी मुझे क्या ऐसी लगता है कि ये जो सरकार बनी है महाविकास आघाड़ी की, 3 पार्टियों ने जो सरकार बनाई ये हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार बनने वाली थी, उनने सोचा ही नहीं था कि शिवसेना हमारे को छोड़ के जा सकती है, उनको यही लगता था कि आखिरी समय पर शिवसेना हमारे साथ आएगी और हमारी सरकार बनेगी, मगर जिस तरीके की सरकार बन गई, सरकार चल रही है, अधिवेशन चला, अधिवेशन ख़त्म होने आ रहा है, तो अभी जो पश्चाताप है वो मुनगंटीवार जी को हो रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने सभागृह में भी, मैंने बोलते वक्त देखा कि दिल के दिल में ऐसे कुछ पश्चाताप था कि भैया अच्छी 5 साल सरकार चली, 105 लोग आने के बाद भी हमारी सरकार चलती थी, मगर थोड़ी सी गलतियों की वजह से हमारी शिवसेना चली गई, तो अभी 5 साल पछताना ही पड़ेगा, उसके सिवा कुछ नहीं है। तो मुनगंटीवार जी को अभी पछताने के सिवा कुछ नहीं करना, इसलिए तो फिर वो शरद पवार और कांग्रेस के तरफ ध्यान डालेगी, मगर हमारी तीनों पार्टियाँ अभी मिलकर काम करेंगी, कोई मतभेद नहीं है और सब व्यवस्थित है, इतना ही बताना चाहूँगा। मैं अधिवेशन से संतुष्ट है, यानी पहले 2 दिन का कामकाज अगर विरोधक होने देते थे, पहले 2 दिन में अगर यह कामकाज होता था, पहला दिन उन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से गवाया, दूसरा दिन किसानों के नाम से, मुझे ये पूछना है कि पहले दिन किसान क्यों नहीं याद आए तुम्हें? स्वतंत्र वीर सावरकर का मुद्दा ही सभागृह के बाहर का था, पहले दिन क्यों नहीं तुम्हें किसान याद आए सावरकर के जगह? इनकी मंशा थी कि 2 दिन का ये सत्र खत्म हो जाए, 3 दिन मिले, 3 दिनों में बहुत से सदस्यों ने, 71 सदस्यों ने पुरौनी विषय पर चर्चा की है, दूसरे दिन 45 सदस्यों ने किए, वहाँ पे औचित्य के मुद्दे पे बोलने मिला, तो यही अगर 2 दिन मिलते तो मुझे लगता है मेरे ख्याल से बहुत सा कामकाज हो जाता था, बहुत सी समस्याएँ छूटने जाती। मैं खुद 2 दिनों में 5 बार सभागृह में बोला, 5 बार मुझे चांस मिला, 5 बार में नागपुर की जो समस्या थी, विदर्भ की समस्या, उसके ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। ये 2 दिन रहते तो मैं और 5 बार बोल सकता था, 10 बार बोल सकता था, तो सभी आमदारों का कहना है कि ये 2 दिन हमने गवाए, तो इस तरीके के ये दिन विरोधकों ने गवाने को नहीं होना, इसी अपील करूँगा मैं। नागपुर के कौन से मुद्दे आपने रखे? नागपुर शहर में जो 1972 लेआउट का इशू है, जो NIT को ट्रांसफर कर दिया, मैप सैंक्शन नहीं हो रहे हैं, 6-6 महीने से बड़े लोग दर दर घूम रहे हैं, नागपुर शहर में सीमेंट के रास्ते बन रहे हैं, जो सीमेंट के रास्ते अधिकारी कर्मचारियों का ख्याल नहीं है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, जनता को क्या तकलीफ हो रही है वहाँ के दर्द से, और वो जो काम उनका समय पीरियड होने के बाद भी क्यों ना कम्प्लीट कर पाए, इसकी इंक्वायरी की मांग की। दूसरी एक कंपनी जो नागपुर के 1 लाख लोगों के पैसे लेके भग गई, वो कंपनी के प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ने जब्त की है, वो जब्त की हुई प्रॉपर्टी नीलामी करने
का कायदा है वो लोगों को पैसे देने का, तो वो दिया जाए, वो गरीब जनता को राहत मिलेगी। कुछ पीडब्ल्यूडी के काम थे और इस मिहान के मुद्दे पर हमने बात की है, तो जो जो मुद्दे थे, काफ़ी सारे मुद्दे हैं, मगर 280 लोगों में 70-75 लोगों को मौका मिला, उसमें 5 बार मैं बोला, 2 दिन मिलते तो 10 बार बोलता था। सब्सक्राइब टू नेशन नेक्स्ट यूट्यूब चैनल and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.